नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं सुपर टाइम्स। दिन की शुरुआत सुविचार के साथ। आज का सुविचार, सुबह उठो मुस्कुराहट के साथ, खुद को बताओ कि आज मेरा दिन है। आइए अब नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 खबरों पर। भारत के कच्छ से उठा तूफान, पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा चक्रवात। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, कराची से 170 किलोमीटर दूर। चीन की दो महिलाओं ने मासूम को प्लेन के टॉयलेट में किया बंद। चीनी महिलाएं बोली वह रो रही थी, उसे सबक सिखाना था ताकि दूसरे यात्री परेशान ना हो। जयशंकर बोले पाक से बातचीत का दौर खत्म, हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, पड़ोसी देश हमेशा एक पहेली जैसे होते हैं। नार्वे की राजकुमारी की अमेरिकी तांत्रिक से शादी, कोरोना भगाने के लिए तावीज बेच चुका, 28 की उम्र में मरकर जिंदा होने का दावा। ट्रंप की सुरक्षा में फिर हुई चूक, रैली के दौरान शख्स ने जबरदस्ती मीडिया के बीच घुसने की थी कोशिश, पुलिस ने किया काबू। भारतीय दल ने पेरिस पैरालंपिक में जीते स्वर्ण सहित कुल 4 पदक, शीतल देवी से रहेगी पदक की आस, फिर चमक बिखेरने उतरेंगे निशानेबाज। पाकिस्तान ने SCO बैठक के लिए मोदी को भेजा नेता, PM शामिल होंगे या नहीं, इस पर भारत ने अटकलबाजी न लगाने की कही बात। भारतीय पैरा एथलीट अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में जीता पदक, बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, गुजरात में खतरा मंडराया, कच्छ जिले का तटीय इलाका कराया खाली। फिलहाल फटाफट 10 खबरों में इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए सोगा टाइम्स के साथ। खबरें अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सेहत की बारी, आज का सेहत टिप्स। सबसे पहले रखें सेहत का ध्यान, शरीर को नींद नहीं आराम दें। शरीर को 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है, लेकिन अगर शरीर को आराम देते हैं तो शरीर ऊर्जावान रहता है, बीमार भी नहीं होते। आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत है वह नींद नहीं है, वह आराम है। दिन भर की थकावट के लिए शरीर को आराम देना जरूरी होता है, इसलिए शरीर को नींद से ज्यादा आराम देना चाहिए।